तो आज हम बनाने वाले हैं समोसे कचौरी जितने ही समय में तैयार होने वाला क्रिस्पी टेस्टी आलू पेटीज, वो भी बिना बेक किए। इतना आसान तरीका बताया है कि आप मिनटों में ढेर सारे आलू पेटीज बना लेंगे। तो बिना रुके चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस टेस्टी खस्ता सा नाश्ते को बनाने के लिए एक बाउल में डालिए 150 ग्राम मैदा, कप के नाप से एक कप। साथ ही डाल दें 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल ज्यादा बिल्कुल भी ना डालें और सरसों तेल का इस टाइम इस्तेमाल ना करें। सभी चीजों को मिला लें। तो यहाँ पे जैसे मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, आधा मैदा आधा गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर का पानी डालिए और मिक्स करें। तो धीरे धीरे समेटते हुए डो को लगा लिया है, अभी ज्यादा मलने की जरूरत नहीं है। और आधा कप से मैंने एक चम्मच कम पानी का इस्तेमाल किया। अब बहुत जरूरी है कि 10 मिनट रेस्ट पे रखें, तब तक हम इसकी फिलिंग का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू। जब आपको नाश्ता बनाना हो तो आधे घंटे पहले ही उबाल लीजिए, या फिर आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ऐसे आलू में मॉइस्चर नहीं होता है। और अब हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू को कद्दूकस कर लिया है और अब हम थोड़े से साबुत मसाले को कूटेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया खल में डालें, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, दरदरा कूट ले। देखिए कूट लिया है। और अब कढ़ाई में डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। धीमी आंच पे डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, 1 चुटकी हींग। अब ये जो मसाले हमने कूटे हैं इसे भी डाल दें। साथ ही डाल दीजिए 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 बारीक कटी हरी मिर्च, मिक्स कर लीजिए। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हरी मिर्च डाला है इसलिए लाल मिर्च कम डालें, 1/4 टीस्पून। अब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए इसलिए 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी या फिर करी पत्ता जरूर डालें, मैश करते हुए डालें, मिक्स कर लीजिए। तो आज हम ये मसाला सिर्फ आलू से बनाएंगे। आपकी इच्छा हो तो इसमें उबाल के मटर डाल सकते हैं, 1 गाजर डाल सकते हैं, आधा शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। स्वाद अनुसार नमक डाल दें और अब तुरंत डाल दीजिए कद्दूकस किया हुआ उबले हुए आलू, मिक्स कर लें। अब साथ ही डाल दीजिए 2 टेबलस्पून धनिया पत्ती, चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस या फिर अमचूर पाउडर। बस मिलाने भर मिक्स कर लीजिए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, फ्लेम कर दीजिए बंद। बहुत ही मजेदार चटपटी स्टफिंग तैयार है। हल्का सा फैलाते हुए साइड में रखें। नेक्स्ट एक बाउल लीजिए, इसमें डालिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट। वैसे तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर या अरारोट यूज करने से ना लेयर काफी पतले होते हैं। इसमें डाल दीजिए घी 2 बड़े चम्मच। आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये जो हम साटा बना रहे हैं यानी कि गम बना रहे हैं वो ऑयल में ना बनाए, वरना काफी चिपचिपा सा अंदर का टेक्सचर आएगा। तो देखिए गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है। इधर डो ने भी रेस्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छे से फुलके सॉफ्ट हो गए हैं। एक बार हाथों से हम मिला लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी गीला गीला सा नहीं है और ना ही काफी टाइट डो है। अगर आपका डो गीला हो जाए ना तो फिर ऊपर से सूखा मैदा मिला के सेट कर लीजिएगा। और अब हम डो किचन सरफेस पे रख के फैला लेते हैं। फैलाने के बाद चाकू से काट लीजिए। तो रोटी जितना बॉल हमें काटना है तो 1 कप आटे से 5 लोई निकालें। और अब हाथों से मलते हुए हम चिकना पेड़ा बना लेते हैं इस तरीके से। और अब एक बॉल लीजिए, हाथों से दाबते हुए हम रोटी जितना पतला बेल लेते हैं। जरूरत महसूस हो तो बहुत ही हल्का सा हम सूखा मैदा छिड़कते हुए बेलेंगे। तो हमें रोटी से भी पतला बेलना है। इतना आसान तरीका पेटीज बनाने का बताया है कि आप बिल्कुल बाजार जैसा घर में फटाफट बना सकते हैं। तो देखिए एक रोटी बेल के तैयार कर ली है, इसे साइड रखें। और फिर से हम सूखा मैदा लगाते हुए हम सारी लोइयों को इसी प्रकार बेल के तैयार कर लेते हैं। तो पांचों रोटियों को बेल लिया है। एक बार मैं आपको इसकी मोटाई दिखा देती हूँ। और अब हम थोड़ा सा साटा लगाएंगे और बहुत अच्छा दोस्तों हाथों से ही फैलेगा, इसलिए कोने कोने तक हम अच्छे से लेयर करने के लिए फैला देते हैं। फैलाने के बाद बस इसके ऊपर दूसरी रोटी रखिए और वापस से हम थोड़ा सा साटा लगाते हुए इस तरीके से फैला लेते हैं। ये तीसरी रोटी। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 कप मैदे से बताया है, आप 2 कप का भी बना सकते हैं।
और ये पांचवी रोटी, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं लगाना है। तो देखिए पांचों रोटी को एक पर एक रख लिया है और अब थोड़ा सा हम बेल के फैला लेते हैं। तो देखिए उलटते पलटते बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है और अब चाकू लीजिए, किनारों का भाग काट के हटा दे इस तरीके से। हमें चौकोर यानी कि स्क्वायर काटना है और ये जो किनारे का भाग है इसे वापस से हम बेल के स्टफ कर सकते हैं, इसे साइड रखें। तो हमारी चौकोर पट्टी तैयार है, अब वापस से हम फिर से बेलन चला लेते हैं और थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो एक बार मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ, देखिए बहुत मोटा नहीं है। और अब चाकू लीजिए, इस तरीके से काट ले, दूसरी तरफ से भी तीन भागों में काट ले। तो एक बार में आपके 9 पट्टी निकल जाएगी। इतना आसान तरीका है, बहुत ही कम मेहनत लगता है दोस्तों और बिल्कुल भी एक दूसरे में चिपकती नहीं है। और अब एक पट्टी लीजिए, हल्का सा हम फिर से बेल लेते हैं और थोड़ा सा फैला लेते हैं। और अब एक कटोरी में मैंने 1 छोटी चम्मच मैदा लिया है, साथ ही डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच पानी। तो हमें एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है ताकि हम पेटीज को चिपका सके। तो देखिए लई तैयार है, इधर स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। थोड़ी सी स्टफिंग सेंटर पे रखिए 1 चम्मच और बस सब कुछ नहीं करना, ये दोनों कोने को उठाइए, सेंटर पे लाइए, हल्का सा जो हमने लई बनाया है मैदा वाला उसे लगाते हुए टक कर दे यानी कि चिपका दे। अब ये दोनों किनारों को फिर से सेंटर पे लाइए और बहुत ही हल्का सा हम वापस से मैदा लगा देते हैं और ऐसे चिपका दे। तो आप चाहे तो इसे एयर फायर या माइक्रोवेव में इसी तरीके से बेक कर सकते हैं, लेकिन हम आज कढ़ाई में बनाने वाले हैं। हर कोने में हल्का हल्का मैदा का जो हमने लई बनाया है उससे हम चिपका लेते हैं ताकि बिल्कुल भी खुलने का कोई चांस ना हो। प्लेट में रख ले, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो देखिए कुछ सेकंड में दूसरा भी तैयार है। तो देखिए मैंने 5 पेटीज तैयार कर ली है और ये जो शीट है ना, पट्टी है, इसे आप किचन टावल हल्का सा भिंगा के लपेट के जिपलॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में हफ्ते दिन तक, और जब भी आपको स्टफ करना हो तब फटाफट वापस से बेल के स्टफ कर सकते हैं। मैं इस शीट को स्टोर करने वाली हूँ इसलिए मैंने सिर्फ 5 को स्टफ किया है। तो आज हम बहुत ही झटपट तरीके से बना रहे हैं इसलिए डीप फ्राई करेंगे। तो तलने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, तेल गर्म हो चुका है, बहुत तेज गर्म नहीं कीजिएगा वरना डालते के साथ डार्क गोल्डन कलर आ जाएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो हमने लेयर किए है ना वो भी अच्छे से सारी परत खुले। तो मैंने एक बार में 5ों को डाल दिया है, 2 से 3 मिनट इसी तरीके से फ्राई होने दें, उसके बाद हम उलटेंगे। और अब हम इस तरीके से चम्मच या स्पैचुला से तेल को छालते हुए सारे पेटीज में डालते हैं ताकि लेयर बहुत ही अच्छे से खिल के आए। तो जैसे ही तेल में डाला है वैसे ही आप ध्यान से देखिए, देखिए कितने अच्छे से सारे लेयर धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। तो ये घर में पेटीज बनाने का सबसे आसान तरीका है और साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए आप पार्टीज में भी बना सकते हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो करीब 1 मिनट तक ऑयल को ऊपर की ओर डाल दिया है, अब हम 2 मिनट के बाद ही उलटेंगे। तो देखिए हल्का हल्का कलर आ गया है, एक बार मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ, देखिए कितने बढ़िया दिख रहा है। उलट लीजिए, तो जब इतना लाइट कलर हो ना तभी उल्टे, क्योंकि ऑयल में डूबा हुआ है इसलिए उलटने के बाद भी दूसरी तरफ से भी हल्का हल्का फ्राई होते रहेंगे। दूसरी तरफ से हम 5 मिनट के फ्राई कर लेते हैं और जैसा मैंने कहा कि आप माइक्रोवेव में या एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव एयर फ्रायर नहीं है, ऑयल फ्री बनाना चाहते हैं तो जैसे हम केक बेक करते हैं ना दोस्तों बस वैसे ही बेक कर लीजिएगा। 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखिए उलटते पलटते प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और बिल्कुल भी ऑयल में जाके टूटेंगे नहीं दोस्तों, ऑयल से बाहर निकाल ले तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। तो आप अभी देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई है, तो निश्चिंत होके बनाइए। और मैं आपको बिना टिश्यू पेपर का ही दिखाती हूँ, देखिए प्लेट पे बिल्कुल भी तेल नहीं आया है। तो गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लिया है, टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो इस खस्ता आसान टेस्टी पेटीज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और कैसा नाश्ता बना आपका ये भी बताएं। तो थोड़ा सा टाइम पेटिस के शेट बनाने में लगता है, लेकिन आपने देखा कि समोसे से भी कम मेहनत में हमने बना के तैयार किया है और सारी परत बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। जब भी बाजार की पेटिस समोसा कचौरी की याद आए तब आप इस तरीके से फटाफट बना ले। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी है और अंदर स्टफिंग बहुत ही अच्छे से भरी हुई है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी तेल नहीं सोखा है। तो मैं आपको एक और तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत खस्ता बने हैं दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिए। सारे लेयर एक एक करके अलग हो चुके हैं। तीखी वाली हरी चटनी के साथ भी ये आलू पेटीज बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार ज़रूर बनाएं।